हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटीफुल नेक डिजाइन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखिए बुकरम लिया है। तो बुकरम की जो हमने चौड़ाई ली है वो 9.5 इंच ली है और जो लंबाई ली है वो हमने 16 इंच ली है। तो एक बार पीस सेंटर से इसको फोल्ड कर देना है और इसकी बंद की साइड से मार्क डालेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क लगाना है, ठीक है। और नीचे की तरफ हम तैयार नेक रखेंगे 6 इंच, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर यानी 6 इंच पर मार्क लगाना है और अंदर की तरफ 3 इंच पर। इसको इस तरीके से बॉक्स बना देंगे, ठीक है। इसमें हमें 1.25 इंच की शेप डाल लेनी है, राउंड शेप। तो यहाँ पर देखिए हमें 1 इंच का मार्क लेना है। इसी तरीके से हमें सीधा नीचे तक 1 इंच का मार्क लेना है। आप इसकी नीचे की तरफ लंबाई कम कर सकती हैं, तो इस तरीके से इस पर सीधा मार्क करेंगे। और यहाँ से देखिए हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। अगर आप यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं तो नीचे जो हमने 1 इंच पर मार्क लगाया है वो 1 इंच पर रखें। अगर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं तो 1.25 इंच पर रखें। इस चीज़ का ध्यान रहे, तभी इसकी शेप बिल्कुल बराबर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मार्क लगा लिया है। अब सबसे पहले हमें ये बाहर की साइड से कटिंग करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जोड़ दवाएँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इसी तरीके से इसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बाहर की साइड से कट कर लिया, अब अंदर के पैटर्न को निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसकी खुलने के बाद शेप आएगी, ठीक है। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर रख लिया, तो कपड़े के उल्टी साइड रखा है इसको और पिन अप कर लिया है। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, 1/2 इंच के लगभग छोड़ देना है, तो जो हमारा इसके ऊपर फोल्ड होगा, ठीक है। इसके कॉर्नरों में भी कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से फोल्ड हो सके। और इसे हमें चारों तरफ से इस कपड़े को इस तरीके से करके फोल्ड कर देना है। और ये नेक हमने अपनी कुर्ती पे बनाया है और उस कुर्ती का वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा फ्रॉक टाइप फैशन में कुर्ती चल रही है उसके ऊपर इस नेक को बनाया है। तो इसी तरीके से ये चारों तरफ से हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने फोल्ड कर लिया है और 20 सेंटर में कट लगा लेंगे। इसी तरीके से हमने अपने टॉप पीस में भी कट लगा लिया है। अब बिल्कुल दोनों को बराबर करके रखना है और ये हम उल्टी साइड रख रहे हैं, पलट के सीधी साइड होगा, तो इस कट को कट से मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। बिल्कुल 20 सेंटर में नेक को रखना है और इसमें एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और इसकी बिल्कुल बुकरम के पास होके पूरे में राउंडली इसी तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी हमने सिलाई लगा ली है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर से पैटर्न को निकाल देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि पलटने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से, और कट सिलाई ना कट जाए इस चीज़ का ध्यान रहे। पिन को निकाल देना है, पलट के सीधी साइड कर लेना है। इसको हमने पलट के सीधी साइड कर लिया है और इसमें हमें मोती वाली लेस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से रखनी है और इसे पूरे को जो लेस की ये गोट है इसको अंदर की तरफ दबाते हुए सिर्फ मोती बाहर रहेंगे और इसको पूरे को इसी तरीके से लगा के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे में इसको हमने लगा लिया है, एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पर सुई धागे की मदद से बटन लगा लेंगे और ये पूरा नेक बनके कंप्लीट है। ये किस तरीके से बनाइए हमने आपको बता दिया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।